गीता के 21 अनमोल विचार जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम काना है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी कभी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।